गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पॉलिनेशन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हम क्या होता है पॉलिनेशन। देखिए, जो पॉलिनेशन है ये आपकी प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है? प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले जो प्रोसेस अकर होती है ये वो प्रोसेस है। क्या होगा पॉलिनेशन में? द पॉलिनेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर। देखिए पॉलिनेशन में क्या होगा, पहले हम देखते हैं डायग्राम से, फिर डेफिनेशन पे जाएंगे। ये हमारे पास एक फ्लावर है, कंप्लीट फ्लावर है, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों ही प्रेजेंट है। ये इसके पास एंथर वाला पार्ट है जिसके अंदर आपके पास पॉलन ग्रेन फॉर्म होंगे। तो ये एंथर या पॉलन सैक, यहां से आपके पॉलन ग्रेन फ्री हो और यहां से पॉलन ग्रेन कहां तक पहुंचे, फीमेल की स्टिग्मा तक पहुंचे। वो खुद के फ्लावर की स्टिग्मा भी हो सकती है, वो किसी अदर प्लांट के फ्लावर की भी स्टिग्मा हो सकती है। तो क्या होगा, तो डेफिनेशन क्या बनती है इसकी? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द पॉलन सैक टू द स्टिग्मा ऑफ अ कार्पल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो क्या डेफिनेशन है पॉलिनेशन की? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द पोलन सैक टू द स्टिग्मा ऑफ ए कार्पल, यानी कि किसी प्लांट में पॉलन सैक से आपके पॉलन ग्रेन यहां से क्या हो जाए, डिस्पर्स हो जाए और कहां तक पहुंच जाए, वो किसी फीमेल के स्टिग्मा वाले पार्ट तक, यानी कि अपर वाले पार्ट तक पहुंच जाए। इसे क्या बोल देंगे हम? पॉलिनेशन। तो जो पॉलिनेशन की प्रोसेस के लिए एक आपके पास कंडीशन है, एक एसेंशियल कंडीशन है कि क्या पॉलन सैक से आपके पॉलन ग्रेन फ्री होने चाहिए, यानी कि आपके जो पॉलन सैक है उसके जो एंथर है उसका डाइसन होना चाहिए। तो क्या होगा कि पॉलन ग्रेन से क्या हो, जो पॉलन ग्रेन है उसको आपके पॉलन सैक से फ्री होना क्या है, कंपलसरी है। जब तक पॉलन सैक फटेगा नहीं तब तक पॉलन ग्रेन बाहर नहीं निकलेंगे और स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब जो पॉलन ग्रेन है वो किस प्लांट के स्टिग्मा तक पहुंच रहे हैं, किस फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच रहे हैं, इसके बेस पर टाइप ऑफ पॉलिनेशन की जब हम बात करते हैं तो पॉलिनेशन का टाइप कितने टाइप का होता है? पॉलिनेशन टू टाइप्स के होते हैं। पहला है सेल्फ पॉलिनेशन एंड द सेकंड वन इज क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, देर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, द फर्स्ट वन इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड द सेकंड इज क्रॉस पॉलिनेशन। अब हम इस सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब हमारा टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। कितने टाइप के होता है पॉलिनेशन? टू टाइप का, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, इसको डायग्राम से देखते हैं। हमारे पास कोई प्लांट है उस पर दो फ्लावर लग रहे हैं, हमने बात की थी यदि फ्लावर के पास एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलिक्स, कोरोला सारे पार्ट होते हैं तो वो प्लांट क्या होता है आपका, वो फ्लावर कैसा होता है आपका, कंप्लीट फ्लावर या कंप्लीट प्लांट होता है। इसी आपके स्पीशी का एक अदर प्लांट भी और है जो इसी के पास में सिचुएटेड है। तो चलो यहां पे ले लेते हैं हम आगे ऊपर की तरफ। ये इसी स्पीशी का आपके पास दूसरा प्लांट है। अब देखिए सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या है कि आपके पास एक प्लांट है, उस प्लांट में आपके एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन, यहां से पॉलन ग्रेन आपके फ्री होंगे
ये पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचे। देखिए दोबारा क्या कह रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए जब एक प्लांट के जो पॉलन सैक से जो पॉलन ग्रेन फ्री हुए हैं वो उसी प्लांट की उसी फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुंचे या उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचे, तो इसे क्या कहेंगे हम, सेल्फ पॉलिनेशन। व्हेन द पॉलन ग्रेन्स क्या होंगे, देखिए व्हेन द पॉलन ग्रेन्स ऑफ ए फ्लावर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, उसे क्या कह देंगे हम, सेल्फ पॉलिनेशन। दोबारा देखिए इसकी डेफिनेशन क्या कह रहे हैं, व्हेन द पॉलन ग्रेन ऑफ ए फ्लावर आर ट्रांसफर टू द सेम फ्लावर स्टिग्मा और टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, यानी कि जो पॉलन ग्रेन रिलीज हुए वो खुद के फ्लावर के स्टिग्मा पर या उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचे, तो उसे क्या कह देते हैं हम, सेल्फ पॉलिनेशन। ये जो सेल्फ पॉलिनेशन है, ये सेल्फ पॉलिनेशन भी टू टाइप का होता है। कौन कौन से टू टाइप है, पहला तो है इसमें ऑटोगैमी। सेल्फ पॉलिनेशन भी कितने टाइप का होता है, टू टाइप का, जिसमें पहला तो क्या है ऑटोगैमी और दूसरा इसमें टाइप है जिटेनोगैमी। जिटेनोगैमी ऑटोगैमी क्या होता है, जब खुद का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुंचता है तो क्या है ये आपका, ऑटोगैमी। व्हेन द पॉलन ग्रेन फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, तो क्या हो जाएगा ये आपका, ऑटोगैमी। इसका मतलब क्या है, सेल्फ पॉलिनेटेड है कि खुद के पॉलन ग्रेन ने खुद की स्टिग्मा को ही क्या कर दिया, पॉलिनेटेड कर दिया। ऐसा किसमें प्रेजेंट होता है, इसका एग्जाम्पल क्या है, पी। ऐसा किसमें होगा, पी में। इसी तरीके से इसमें सेकेंड जो है वो कौन सा है, जिटेनोगैमी। अब देखो जिटेनोगैमी में क्या होगा, जिटेनोगैमी में जो पॉलन ग्रेन है वो उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे क्या होते हैं आपके, पॉलिनेटेड होते हैं। तो क्या कहेंगे जिटेनोगैमी में, व्हेन द पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, इट इज कॉल्ड जिटेनोगैमी। अब देखिए जिटेनोगैमी में क्या होगा आपके, देखा जाए तो सेल्फ पॉलिनेशन है, ये दोनों के जेनेटिक स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन इस फ्लावर के पॉलन ग्रेन को इस फ्लावर तक पहुंचने के लिए कुछ मेथड्स की नीड होगी। वो एयर से पहुंच सकते हैं, वो वाटर से पहुंच सकते हैं, या वो इंसेक्ट्स की हेल्प से पहुंच सकते हैं। तो फंक्शनली हम देखें तो क्या होगा ये, क्रॉस पॉलिनेशन, लेकिन जेनेटिकली हम इसे देखें तो क्या है ये, सेल्फ पॉलिनेशन। अब देखिए हम बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की। क्रॉस पॉलिनेशन क्या कहता है कि टू डिफरेंट फ्लावर प्लांट होने चाहिए। क्रॉस पॉलिनेशन क्या कह रहा है कि जो प्लांट है वो कैसे होने चाहिए आपके, डिफरेंट डिफरेंट लेकिन सेम स्पीशी के होने चाहिए। अगर इस प्लांट का पॉलन ग्रेन, इस फ्लावर का पॉलन ग्रेन या इस फ्लावर का पॉलन ग्रेन किसी अदर प्लांट के स्टिग्मा तक पहुंच करके उसे पॉलिनेट कर दे तो इसे क्या कह देंगे हम, क्रॉस पॉलिनेशन। व्हेन द पॉलन ग्रेन ऑफ ए फ्लावर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट, बट कैसा होना चाहिए वो, सेम स्पीशी का, तो उसे क्या बोल देंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। किसमें होगा ये, टू डिफरेंट प्लांट में, टू डिफरेंट प्लांट्स के फ्लावर में, बट वो जो दोनों प्लांट है वो कैसे होने चाहिए, सेम स्पीशी के। क्लियर है, इसके एग्जांपल है, अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो कॉटन, चाइना रोज जिसे हम गुड़हल का फ्लावर भी कहते हैं, सनफ्लावर एटसेट्रा। तो हमने सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में देखा, अब हम क्या देखते हैं कि कौन कौन से अडप्टेशन है जो कि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कंपलसरी है या कौन कौन से अडप्टेशन है जो कि आपके क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो हम इनके अडप्टेशन की बात करते हैं, अडप्टेशन फॉर द सेल्फ पॉलिनेशन, अडप्टेशन फॉर द सेल्फ पॉलिनेशन, कि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए प्लांट के पास क्या क्या अडप्टेशन होनी चाहिए। तो हमने बात की थी सेल्फ पॉलिनेशन में, हमने क्या कहा था,
कि जो खुद के पॉलन ग्रेन है वो खुद के फ्लावर के स्टिग्मा पर या उसी प्लांट के अदर फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। तो कहने से क्या इसका क्या आपका मीन निकल रहा है कि प्लांट के पास पॉलन ग्रेन भी होना चाहिए और प्लांट के पास कार्पल यानी कि स्टिग्मा भी होना चाहिए। तो ये तो आपके पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बनेगा, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बनेगा। यानी कि प्लांट के पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों होने चाहिए। ऐसे प्लांट जिनमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल प्लांट। क्या बोलते हैं उन्हें हम, बाइसेक्सुअल प्लांट। ये हर्मोफ्रोडाइट प्लांट, तो पहली कंडीशन होनी चाहिए, जो पहली कंडीशन है कि प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन हो, प्लांट कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल। इसका एग्जांपल क्या है, पी। अब देखिए प्लांट आपका बाइसेक्सुअल है, कहने का मतलब है कि इसके पास मेल और फीमेल दोनों ही क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। लेकिन जो आपके पास मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम टाइम पे मैच्योर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, सेम टाइम पे मैच्योर होने चाहिए। यानी कि जब पॉलन ग्रेन प्लांट में फ्लावर के स्टिग्मा पर गिरे तो स्टिग्मा कैसी होनी चाहिए, रिसेप्टिव होनी चाहिए। यानी कि उस टाइम पे स्टिग्मा भी कैसी होनी चाहिए, आपकी मैच्योर होनी चाहिए, तभी तो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा और तभी फर्टिलाइजेशन होगा। तो इसे हम बोलते हैं होमोगैमी। इसको क्या कहा जाता है टर्म को, होमोगैमी। होमो का मतलब सेम, गैमी यानी कि गैमिट्स। तो जो दोनों आपके जो गैमिट्स हैं वो सेम टाइम पे मैच्योर होने चाहिए, जिससे कि आपके फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो क्या हो, इजिली कंप्लीट हो जाए। तो प्लांट बाइसेक्सुअल होना चाहिए, और सेकंड प्लांट कैसा होना चाहिए, होमोगैमी होना चाहिए। दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम टाइम पे मैच्योर होने चाहिए। थर्ड इसमें पॉइंट है क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी कभी कभी शॉर्ट नोट में इसके ऊपर एग्जाम्पल आ जाता है कि क्लिस्टोगैमी क्या होता है। ठीक है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं आपके पास कि उनके जो बड है, जो फ्लावर है, वो फ्लावर हमेशा बड कंडीशन में रहते हैं। यानी कि फ्लावर क्या नहीं होते, ओपन नहीं होते। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके फ्लावर्स कभी भी ओपन नहीं होते, हमेशा क्लोज रहते हैं। ये हम ऐसे भी कह सकते हो कि हमेशा कौन सी कंडीशन में रहते हैं, बड कंडीशन में। अब देखिए मेरे पास कोई फ्लावर है वो बड कंडीशन में है, ठीक है, ये लीजिए, ये किस कौन सी कंडीशन में है, बड कंडीशन में फ्लावर है। अब ये आपके पास, आपको पता है कि फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। यानी कि इसके पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा, फीमेल भी होगा। यानी कि इसके पास पॉलन ग्रेन भी होंगे और स्टिग्मा भी। अब यदि फ्लावर आपका, अगर फ्लावर खुलेगा ही नहीं, जब फ्लावर खुलेगा नहीं तो उसके ऊपर दूसरे प्लांट के पॉलन ग्रेन तो आएंगे नहीं, तो क्या होगा, इसके पास हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन। ऑलवेज ऐसे प्लांटों में क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। इसका एग्जाम्पल क्या है, वायोला। क्या इसका एग्जाम्पल, वायोला। वायोला में क्या होता है, फ्लावर जो फ्लावर है वो हमेशा किसमें रहेंगे, आपकी बड कंडीशन में रहेंगे, तो किसी दूसरे प्लांट का पॉलन ग्रेन उसके स्टिग्मा तक नहीं पहुंचेगा और हमेशा क्या होगा, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए फ्लावर का बाइसेक्सुअल होना कंपलसरी है, और फ्लावर बाइसेक्सुअल है, इसके साथ साथ जो फ्लावर में मेल और रिप्रोडक्टिव, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है वो सेम टाइम पे मैच्योर होने चाहिए। और इसी में थर्ड पॉइंट था, थर्ड अडेप्टेशन था कि ऐसे फ्लावर जो क्लिस्टोगैमस है, यानी कि जो हमेशा बड कंडीशन में रहते हैं, उनमें ऑलवेज क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। अब हम बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, अडेप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, कि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या चाहिए, कौन कौन से अडेप्टेशन चाहिए। इस क्रॉस पॉलिनेशन को हम जीनोगैमी भी कह सकते हैं। अब देखिए जीनोगैमी के लिए या क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या चाहिए, पहली बात तो जो आपका फ्लावर है, जो प्लांट है, वो कैसा होना चाहिए, यूनिसेक्सुअल होना चाहिए, यूनिसेक्सुअल प्लांट। पहला पॉइंट क्या है, फ्लावर कैसा होना चाहिए, जो प्लांट है वो कैसा होना चाहिए आपका, यूनिसेक्सुअल। अगर आपके प्लांट के पास या तो ओनली मेल फ्लावर हो या ओनली फीमेल फ्लावर हो, मेल फ्लावर से मतलब क्या है, केवल उसके पास
स्टेमन वाला पार्ट हो, और फीमेल फ्लावर से मतलब क्या है कि उसके पास केवल गाइनोशियम वाला पार्ट हो, इनकम्प्लीट फ्लावर है ये। तो अगर उसके पास या तो ओनली मेल या ओनली फीमेल फ्लावर होगा तो ऐसे प्लांट में कभी भी आपका सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, हमेशा क्या होगा क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन इसी में आपके पास एक कंडीशन अप्लाई है, या इसमें एक एक्सेप्शन है, देखिए क्या कि जो प्लांट है वो तो कैसा है इसका बाइसेक्सुअल, लेकिन जो फ्लावर है फ्लावर कैसा है मोनोसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल। जो फ्लावर है वो तो कैसे है यूनिसेक्सुअल, लेकिन प्लांट कैसा है बाइसेक्सुअल। देखिए कैसे, ये आपके पास एक प्लांट है, देखिए इस प्लांट में इसके पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसके पास फीमेल, इसके पास मान लीजिए मेल है, ठीक है। अब इसके पॉलन ग्रेन इसके खुद की स्टिग्मा को तो पॉलिनेट नहीं कर सकते, लेकिन इसके पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा को पॉलिनेट कर सकते हैं। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो प्लांट, अभी प्लांट तो बाइसेक्सुअल है क्योंकि इसके पास मेल फ्लावर भी है, इसके पास फीमेल फ्लावर भी है, लेकिन जो फ्लावर है वो या तो मेल है या फीमेल है। तो ऐसे प्लांट जो खुद तो बाइसेक्सुअल है लेकिन फ्लावर कैसे है इसमें यूनिसेक्सुअल, इनमें ऑटोगैमी तो नहीं होगी सेल्फ पॉलिनेशन में, लेकिन जिटेनोगैमी तो हो सकती है। तो ऐसे फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों हो सकते हैं, सेल्फ में केवल जिटेनोगैमी होगा, इनमें ऑटोगैमी नहीं होता, क्लियर है। तो पहली कंडीशन पॉलिनेशन के लिए जो प्लांट है वो प्लांट कैसा होना चाहिए यूनिसेक्सुअल। इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो यूनिसेक्सुअल प्लांट के लिए कि जिसके पास केवल, तो प्लांट कैसा होना चाहिए यूनिसेक्सुअल होना चाहिए, जिससे कि दूसरे प्लांट के साथ क्या कर सकता है ये पॉलिनेट कर सकता है। सेकंड हम बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, क्रॉस पॉलिनेशन आपके बाइसेक्सुअल प्लांट में भी हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन बाइसेक्सुअल प्लांट में भी पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए बाइसेक्सुअल प्लांट में कुछ प्रॉपर्टी चाहिए। जैसा कि पहला जो हमने बात की थी कि मेल और फीमेल दोनों ही प्लांट क्या है सेम टाइम पे मैच्योर होते हैं, होमोगैमी था, यहाँ पे क्या होना चाहिए पहली कंडीशन हेटेरोगैमी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए हेटेरोगैमी, या इसको हम कह सकते हैं डाइकोगैमी, हेटेरोगैमी या डाइकोगैमी में क्या होता है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और कहने का मतलब है एंड्रोशियम और गाइनोशियम वो सेम टाइम पे मैच्योर नहीं होते, उनका मैच्योरेशन का टाइम क्या है, मैच्योरेशन टाइम क्या होता है इनका डिफरेंट होता है। अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो उस टाइम पे फीमेल नहीं होगी मैच्योर, या अगर फीमेल मैच्योर है तो उस टाइम पे मेल मैच्योर नहीं होगा, ये भी टू टाइप्स का होता है। हेटेरोगैमी या जो डाइकोगैमी है कितने टाइप की होती है, टू टाइप की। टू टाइप कौन कौन से टू टाइप है देखते हैं, देखिए पहली कंडीशन इसमें आती है प्रोटो एंट्री की, एंड्रोशियम। प्रोटो एंट्री का मतलब है जो मेल पार्ट है एंड्रोशियम वो तो क्या हो जाएगा मैच्योर, समय से पहले टाइम से पहले मैच्योर हो जाएगा, वो पहले मैच्योर हो जाएगा, लेकिन जो फीमेल वाला पार्ट है वो मैच्योर नहीं होगा। यानी कि जब आपके पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी उस टाइम पे जो गाइनोशियम है उसका जो स्टिग्मा वाला पार्ट है वो रिसेप्टिव नहीं होगा। ऐसा मिलता है चाइना रोज में और कॉटन में, किसमें मिलता है ऐसा कॉटन में और चाइना रोज में। कॉटन में क्या होगा मेल वाला पार्ट तो पहले रिप्रोडक्टिव हो जाएगा लेकिन फीमेल वाला पार्ट उस टाइम पे मैच्योर नहीं होता। सेकेंड इसमें कंडीशन है प्रोटोगाइनी, प्रोटोगाइनी, प्रोटो का मतलब पहले, गाइनी से मतलब गाइनोशियम, यानी कि यहाँ पे फीमेल वाला पार्ट तो क्या हो जाएगा मैच्योर हो जाएगा लेकिन जो मेल वाला पार्ट है वो क्या आएगा आपका इमैच्योर रहेगा, वो पॉलिनेशन में हेल्प उस टाइम पे नहीं करेगा। ऐसा पाया जाता है आपकी ब्रेसिकेसी फैमिली में, किसमें पाया जाता है ब्रेसिकेसी फैमिली में, रोजेसी फैमिली में, फीमेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाएगा और मेल पार्ट उस टाइम पे मैच्योर नहीं होगा। तो यूनिसेक्सुअल प्लांट में हमेशा क्या होगा सेल्फ पॉलिनेशन, लेकिन बाइसेक्सुअल प्लांट में भी सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, कब जब उसमें हेटेरोगैमी या डाइकोगैमी हो। कहने का मतलब क्या है कि दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे क्या होते हैं यहाँ पे मैच्योर होते हैं। इसी के साथ
बायसेक्सुअल प्लांट में और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो कि क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं, देखते हैं उनके बारे में। हम बायसेक्सुअल फ्लावर में हम क्रॉस पॉलिनेशन के अडेप्टेशन के बारे में बात कर रहे थे कि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जो हमने पहला अडेप्शन देखा था कि फ्लावर कैसा होना चाहिए, प्लांट यूनिसेक्सुअल। फिर हमने देखा था कि कुछ बायसेक्सुअल प्लांट में भी क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। तो बायसेक्सुअल प्लांट में क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक चाहिए थे, इसमें हमने पहले कैरेक्टरिस्टिक की बात कर ली थी कि जो प्लांट है वो कैसा होना चाहिए, आपका डाइकोगैमी या हेटेरोगैमी, कि मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो सेम टाइम पे मैच्योर नहीं होने चाहिए, जिसे हमने डाइकोगैमी या हेटेरोगैमी कहा था। फिर हम इस पे सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे जो कि बायसेक्सुअल प्लांट में किसको प्रमोट करता है, क्रॉस पॉलिनेशन को। इसमें है सेकेंड पॉइंट सेल्फ स्टरिलिटी। जो सेकेंड पॉइंट है इसमें बायसेक्सुअल प्लांट में क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है, सेल्फ स्टरिलिटी। देखिए क्या होता है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो बायसेक्सुअल होते हैं और इनमें क्या होता है, अगर खुद का पॉलन ग्रेन, सेल्फ जो पॉलन ग्रेन है वो सेल्फ स्टिग्मा पे क्या हो जाता है, पॉलिनेट हो जाता है, तो क्या होगा, वो जर्मिनेट नहीं होगा, जर्मिनेशन नहीं होगा। इसका क्या कहने का मतलब है कि पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होता, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन इनमें नहीं होता। तो क्या होगा इसमें कि देखिए ये मेरे पास कोई बायसेक्सुअल प्लांट है, उसके पास मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों ही है, अगर इस फ्लावर का पॉलन ग्रेन इस स्टिग्मा पर गिरेगा तो नेचुरली ही क्या होगा, ये जर्मिनेट नहीं होगा, यानी कि इसमें पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसे हम क्या बोलते हैं, सेल्फ स्टरिलिटी। क्या बोला जाता है इसे, सेल्फ। तो क्या कहता है सेल्फ स्टरिलिटी, इन सम प्लांट्स फॉलिंग ऑफ द ऑन पॉलन ग्रेन्स ऑन द सेम स्टिग्मा डू नॉट जर्मिनेट इवन कंडीशंस। तो इसे क्या कहेंगे हम, सेल्फ स्टरिलिटी। अब इसी में ही हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल किसका है, इसमें पिटूनिया का। जो पिटूनिया प्लांट है वो कैसा होता है, सेल्फ स्टराइल होता है, यानी कि खुद के पॉलन ग्रेन खुद की स्टिग्मा को पॉलिनेट नहीं कर पाते। इसी में ही हम एक और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं, वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है इसमें, हर्कोगैमी। हर्कोगैमी, कुछ बायसेक्सुअल फ्लावर ऐसे होते हैं जो है तो बायसेक्सुअल लेकिन फिर भी इनमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता, इनमें क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनमें नेचुरली स्ट्रक्चरल हिंड्रेंस बिटवीन द स्टेमन एंड कार्पल। देखिए इनमें क्या होता है हर्कोगैमी में, कि नेचुरली क्या होगा कि जो स्टेमन और जो कार्पल है, देखिए हर्कोगैमी में क्या होगा कि नेचुरली स्टेमन और जो कार्पल है इसके बीच में स्ट्रक्चरल हिंड्रेंस आ जाएगा। यानी कि हम किसी बायसेक्सुअल प्लांट को लेते हैं, इसके पास गाइनोशियम कार्पल वाला पार्ट है, ये इसके पास क्या हो गए, स्टेमन हो गए, तो नेचुरली इनके पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चरल हिंड्रेंस होता है कि जैसे ही इस एंथर से, जब एंथर का टेरिसेंस होगा और जैसे ही यहाँ से पॉलन ग्रेन फ्री होंगे, रिलीज होंगे, तो ये पॉलन ग्रेन नेचुरली ही अपने स्टिग्मा के ऊपर जाके रिलीज नहीं होते, इनका डिस्पर्सल क्या होगा, दूर दूर होता है। इसे क्या बोलेंगे हम, हर्कोगैमी। इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है आपका, ग्लोरियोसा प्लांट का, क्या है, ग्लोरियोसा प्लांट में। तो क्या कहता है हर्कोगैमी, व्हेन देयर इज सम शॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चरल हिंड्रेंस बिटवीन द पॉलन ग्रेन, पॉलन सैक और स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर, तो क्या होगा, इनमें सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं होगा। इस कंडीशन में क्या होता है, हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन होता है, कि नेचुरली क्या होता है, स्ट्रक्चरल हिंड्रेंस होता है, कि नेचुरली प्लांट की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है कि जैसे ही पॉलन सैक का डेहिसेंस होगा और जैसे ही पॉलन सैक के
से पॉलन ग्रेन मैच्योर होने के बाद बाहर डिस्पर्सल होंगे तो ये अपनी स्टिग्मा के ऊपर जाकर गिरते नहीं है, तो इसे क्या बोल देंगे हम, हर्कोगैमी। हमारे पास यहाँ पे बाइसेक्सुअल प्लांट में क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लास्ट जो पॉइंट है वो क्या है, हेटेरोस्टाइल। जो लास्ट पॉइंट है इसमें वो क्या है, हेटेरोस्टाइल फोर्थ। देखिए क्या कह रहा है, हेटेरोस्टाइली, हेटेरोस्टाइल क्या कह रहा है, हेटेरो मतलब डिफरेंट, स्टाइल यानी स्टाइल की लेंथ। कुछ प्लांट में क्या होता है, आपके पास जो स्टाइल है कार्पल की, जो स्टाइल है उसकी लेंथ में क्या होता है, डिफरेंस होता है। ऐसा पाया जाता है आपके प्रिमुला प्लांट में। इसमें पाया जाता है प्रिमुला प्लांट में। प्रिमुला प्लांट में क्या होता है, इसमें टू टाइप्स के फ्लावर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, टू टाइप्स के फ्लावर। एक फ्लावर ऐसा है जिसमें स्टिक, जिसमें जो कार्पल है जिसकी स्टाइल क्या है, लंबी है। तो ऐसे प्लांट में जो स्टेमन है वो क्या होंगे आपके, शॉर्ट लेंथ के। जबकि जो दूसरे फ्लावर है उसमें क्या होगा कि स्टाइल की जो लेंथ है वो कम होगी, तो स्टेमन की लेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। देखते हैं, देखिए एक फ्लावर ऐसा है जिसकी एक फ्लावर ऐसा है जिसकी स्टाइल क्या है, लंबी है। ये स्टिग्मा स्टाइल वाला पोर्शन लंबा है, लेकिन इनके जो पॉलन जो सैक है वो कैसे है, इनके जो फ्लामेंट है उनकी लेंथ कम है, तो स्टेमन की लेंथ कम है। एक दूसरा इसने फ्लावर ऐसा होता है जिसकी स्टाइल की लेंथ तो होती है कम, लेकिन जो स्टेमन है उनकी लेंथ क्या होती है, ज़्यादा। अब इन फ्लावर में क्या होता है कि जो लॉन्ग पॉलन ग्रेन है, लॉन्ग स्टेमन के जो पॉलन ग्रेन है वो हमेशा लॉन्ग स्टाइल वाले कार्पल को ही क्या कर पाएंगे, ये पॉलिनेट कर पाएंगे। तो जो लॉन्ग पॉलन से लॉन्ग स्टेमन के पॉलन ग्रेन्स शॉर्ट वाले पे जाएंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। इसी तरीके से इस स्टाइल पर, इस स्टिग्मा पर इफ छोटे वाले स्टेमन के पॉलन ग्रेन आएंगे तो वो फर्टाइल नहीं होंगे। तो क्या होगा कि जो लंबे वाले पॉलन ग्रेन है वो कहाँ जाएंगे, लंबी वाले स्टिग्मा पर, और क्या हो जाएगा, ये आपके क्रॉस पॉलिनेशन को क्या कर देता है, प्रमोट कर देता है। तो क्या होगा, हेटेरोस्टाइली में, हेटेरोस्टाइली प्लांट में छोटे स्टाइल, जिसमें स्टाइल छोटा होगा उसके स्टेमन लॉन्ग होंगे, और जिसके स्टेमन शॉर्ट होंगे उनका स्टाइल लॉन्ग होगा। और इनमें हमेशा लॉन्ग स्टेमन और लॉन्ग स्टाइल के बीच में ही पॉलिनेशन क्या होता है, पॉसिबल होता है। तो ये हमारे पास कुछ बाइसेक्सुअल प्लांट थे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे बाइसेक्सुअल प्लांट के, जो भी क्रॉस पॉलिनेशन को क्या कर रहा था, प्रमोट कर रहा था। तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए हमने कौन कौन से अडेप्टेशन देखे, कि आपके पास प्लांट पहली बात तो यूनिसेक्सुअल होना चाहिए। अगर आपके पास यूनिसेक्सुअल है तो ऑलवेज क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन कुछ बाइसेक्सुअल प्लांट में भी क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। इसके लिए कौन कौन से अडेप्टेशन चाहिए, कि जो दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो सेम टाइम पे मैच्योर नहीं होने चाहिए, यानी कि डाइकोगैमी होना चाहिए। इसमें प्रोटोएंड्री और प्रोटोगैमी टाइप के हो सकते हैं, जिसमें हमने एग्जांपल देखा था चाइना रोज हो गया, कॉटन है, बनियान ट्री है, ब्रैसिकेसी फैमिली के प्लांट है। सेल्फ स्टेरिलिटी में क्या होगा कि खुद के पॉलन ग्रेन खुद के स्टाइल पर अगर स्टिग्मा पर अगर गिर जाते हैं तो भी क्या होते हैं, वो पॉलिनेट नहीं हो पाते। ऐसा किसमें पाया जाता है, आपके पिटूनिया में। हर्कोगैमी में क्या होता है, नेचुरली स्ट्रक्चर हिंड्रेंस पाया जाता है कि नेचुरली खुद के पॉलन ग्रेन खुद के स्टिग्मा पर नहीं गिर पाते हैं। और हेटेरोस्टाइल में क्या होगा कि लंबे स्टेमन वाले प्लांट के पास शॉर्ट स्टाइल वाला कार्पल होगा, और शॉर्ट लॉन्ग स्टाइल वाले प्लांट के पास शॉर्ट स्टेमन होगा, और लॉन्ग स्टेमन और लॉन्ग कार्पल के बीच में ही पॉलिनेशन क्या है, यहाँ पे पॉसिबल है। तो ऐसा किसमें पाया जाता है, आपके प्रिमुला में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। इसके आप पढ़ लेना और नोट्स बना लेना। नेक्स्ट क्लास में हम जो क्रॉस पॉलिनेशन है इसके लिए कौन कौन से मेथड्स हैं जो हेल्प करते हैं उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।